हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ मोबाइल डॉक्टर मिजानुर। फ्रेंड्स, आज मेरे पास एक रेडमी 8A मोबाइल है और ये मोबाइल पूरी तरह से डेड है। सर, ये 8A डुअल होगा क्योंकि इसमें डुअल कैमरा है। देख लीजिए, ये मोबाइल पूरी तरह से डेड है। ये एक्चुअली दुकानदार ने मेरे को भेजा है रिपेयर करने के लिए, और जब दुकानदार ने मेरे को भेजता है तो खाली भेजते हैं। देखिए, ये ऊपर इसका जो बैक कवर है सिर्फ ये भेजा है मेरे को। तो दुकानदार जब भेजते हैं तो इस तरह से भेजते हैं, और पता नहीं मेरे पास इतना ज़्यादा रेडमी 8A डुअल इतना ज़्यादा क्यों आता है पता नहीं। शायद मेरे एरिया में ये मोबाइल ज़्यादा हो। खैर, जो भी हो, आज हम रिपेयर करेंगे। और ये बार बार मेरे पास इस तरह का मोबाइल आता है, इसलिए टॉपिक हमारा चेंज नहीं होता है। मतलब लेटेस्ट मोबाइल में बहुत सारे लोग बोलते हैं लेटेस्ट मोबाइल में रिपेयर करके दिखाइए, लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूँ कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स को अच्छे से समझ लेंगे, अच्छे से आपको नॉलेज हो जाएगा, तो आज आपके पास कोई भी मोबाइल हो आप उसी नॉलेज से आप रिपेयर कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपके पास लेटेस्ट मोबाइल आएगा उसी के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। अगर एक मोबाइल में आप काम करेंगे तो दूसरा मॉडल में आप काम नहीं कर पाएंगे। उसका कैसे काम करना है, मतलब जिसमें आप काम प्रैक्टिस करेंगे उसका क्या काम है, वो सिर्फ आप माइंड में रख देंगे तो दूसरा मोबाइल कैसे रिपेयर करेंगे, क्योंकि उसका प्रोसीजर अलग होगा। इसलिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स को समझने की कोशिश कीजिए, आईसी का काम कैसा चलता है ये सब समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट टाइम आपके पास कोई भी मोबाइल हो आप रिपेयर कर पाएंगे। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपके पास टाइम हो या ना हो, आप थोड़ा टाइम निकाल के देखने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास ये मोबाइल आएगा तब आप ये वीडियो देखेंगे। वीडियो आते ही आप लोग देखा करें तो आपको ही नॉलेज मिल जाएगा, और बाद में काम करने का टाइम वेस्ट नहीं होगा। नहीं तो आप काम करने के टाइम वीडियो सर्च करके देखेंगे तो उस टाइम आपके दिमाग में घुसेगा नहीं। इसलिए आप लोग जब भी आपके पास वीडियो पहुंच जाए आप ज़रूर देखा करें। चलते हैं टॉपिक पर। देखिए, ये मोबाइल की हालत एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरह से मेरे पास आया है। दुकानदार से जब आता है तो इस तरह से आता है, फिर भी हम कोशिश करते हैं, किसी को छोड़ता नहीं। देखिए, ये सबसे पहले पावर सेक्शन देखिए, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हिट किए गए हैं। बाकी यहाँ पर देखिए, मैंने कहा है कि डुअल कैमरा है, मतलब ये 8A डुअल है। और LCD सेक्शन में देखिए एक बार, इसमें लाइट आएगा कि नहीं मालूम नहीं। लाइट सेक्शन में भी शायद यहाँ पर एक कैपेसिटर मिसिंग है लाइट सेक्शन में, और नेटवर्क सेक्शन का शील्डिंग नहीं है। और एक चीज़, आप दुकानदार हो तो आपको भी मालूम है कि एक मोबाइल बिगाड़ने के बाद, मतलब कोई भी बिगाड़ के आपके पास देगा और आप रिपेयर करने के बाद देखेंगे कि नेटवर्क नहीं आ रहा है, कैमरा नहीं चल रहा है और कस्टमर नहीं ले रहा है, तो उसका पैसा आपको नुकसान हो जाएगा। और मेरे पास भी बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसा कंडीशन आता है, मैं कोशिश करके रिपेयर करता हूँ, उसके बाद क्या होता है किसी एक जगह पर फंस जाते हैं। मान के चलिए मोबाइल हमने रिपेयर कर दिया है और नेटवर्क नहीं आ रहा है, इसमें बिगड़ दिया है, तो ऐसा कंडीशन में कस्टमर नहीं लेगा और हमारा मेहनत बेकार हो जाएगा। इसलिए क्या करें, सब देखना पड़ता है। तो खैर, जो भी हो, यहाँ पर हम कैमरा को निकल लेते हैं, बोर्ड का एक बार दिखा देता है। देखिए, PMI इसमें रिबॉल या चेंज कुछ भी हो इसमें पेस्टिंग होता है। इसमें अभी पेस्टिंग नहीं है, ये देखिए पेस्टिंग नहीं है इसमें। ये OBP IC है। CPU सेक्शन का शील्डिंग निकाला है, और यहाँ पर हमें एक डाउट भी है, अगर ये मोबाइल रिपेयर भी हो जाए, लेकिन यहाँ पर देखिए CPU के साइड से बॉल निकल गया है। यहाँ पर देखिए बॉल निकल गया है, यहाँ पर भी कुछ निकला है, यहाँ पर भी कुछ निकला है। इसका वजह क्या होती है, जब पेस्टेड IC होती है और यहाँ पर जब हीट करता है तो वो ज़्यादा हीट कर देता है। जो सिर्फ हीट करने का काम करता है, मतलब जिनको नॉलेज नहीं है वो तो सिर्फ
मोबाइल आते ही हीट करते हैं। तो हीट करने में क्या होता है, ओवर हीटिंग होने की वजह से जो यहाँ पर प्रेशर हो जाता है, जो आईसी के अंदर प्रेशर हो जाता है और वहाँ से हवा निकलता है, तो उसके साथ बॉल भी निकल जाता है जिसमें पेस्टिंग नहीं होता है। उसमें आप कितना भी हीट कर दो लेकिन प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जिसमें पेस्टिंग होता है उसमें आप हीट करेंगे तो वहाँ से प्रेशर निकलता है साइड से और वहाँ से बॉल भी निकल देता है, मतलब अंदर का बॉल बिगाड़ देता है। तो इसमें कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन हम क्या करेंगे, ऐसा स्टेप लेना है कि हम स्टेप बाय स्टेप जा सके। तो ये एक पहले मैंने ये मोबाइल को देख लिया और तब सोचा, एक बार सोच लिया कि ये वीडियो हमें बनाना है क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे व्यूअर के लिए। मैं चाहता हूँ कि जो हमें देखते हैं, हमें जो पसंद करते हैं, उनके लिए अच्छे से अच्छे टॉपिक लेके आने के लिए। तो ये वीडियो, ये चीज़ जब हमने देखा तो हमने सोचा कि ये हमें एक वीडियो बनाना ही पड़ेगा और स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करना पड़ेगा। मतलब हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे और इसका जो हालात है इसके हिसाब से हमें पावर सीक्वेंस के हिसाब से जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें दो आईसी है तो दो आईसी हम डायरेक्ट चेंज नहीं करेंगे, हम पावर सीक्वेंस के हिसाब से काम करेंगे और पता करेंगे कि इसमें से कौन सा ख़राब है। तो वो हम आज इस वीडियो में आपको दिखाएंगे और हम भी कोशिश करेंगे रिपेयर करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग देखते रहिए और सीट पे बैठ जाइए क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि हालात क्या है, लेकिन हम छोड़ने वाले नहीं हैं। कुछ भी हो जाए हम रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। और आज हम वीडियो स्टार्ट किया है, बहुत लेट हो गया है, लगभग रात को 9 बज गया है और मैं 10 बजे तक शॉप से बाहर जाता हूँ, मतलब घर जाता हूँ। तो शायद ये इसका एक दो पार्ट बन जाएगा, फिर भी हम कोशिश करते हैं। एक प्रॉब्लम की वजह से मैंने लेट किया है, तो चलिए इंट्रो के बाद वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बैकग्राउंड कैमरा को दोबारा ऑन करते हैं और मोबाइल में लगा के इसकी कंडीशन चेक कर लेते हैं ऑन बाय ऑन। आप लोग भी देखते रहिए, मतलब इस लाइन में मोबाइल रिपेयरिंग के फील्ड में जो नए हैं उनको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि इसमें हम स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग देखते रहिए कि एक डेड फ़ोन आपके पास आए तो आप सबसे पहले क्या कैसे कैसे टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीटर को डायोड मोड में सेट करेंगे और पहले हम शॉर्टिंग चेक करेंगे। तो बैकग्राउंड कैमरा ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम साइड में छोटा कर देंगे। तो यहाँ पर मीटर हम लेफ़्ट साइड में रख दिया है हमेशा के लिए, मतलब हमेशा की तरह। देखिए शॉर्ट किया मैंने, मैं हमेशा शॉर्ट करके देख लेता हूँ कि हमारा मीटर सही है या नहीं, नहीं तो हम गलत रास्ते पे जाएंगे, इसलिए हमें देखना पड़ता है। तो देखिए शॉर्ट किया, जीरो हो गया है। यहाँ पर हम बजर मोड में सेट नहीं किया है, आप बजर मोड में सेट कर सकते हैं, लेकिन हमारा मीटर कुछ अलग है इसलिए हम डायोड मोड में सेट किया है। क्या होता है, जो येलो कलर मीटर होता है उसमें डायोड मोड और बजर मोड दोनों एक साथ होता है, और इसमें ओम्स मोड और बजर मोड दोनों एक साथ होता है, डायोड मोड अलग होता है, इसलिए हमने डायोड मोड में सेट किया है। तो देखिए शॉर्ट है। हम क्या करेंगे, देखिए हमारा जो प्रोब है, राइट साइड हमारा पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड हमारा नेगेटिव है, मतलब ग्राउंड है। तो हम नेगेटिव को नेगेटिव पे रखेंगे, पॉजिटिव को हम चेक करेंगे, हमेशा हम इस तरह से चेक करते हैं, बाकी लोग उल्टा करके चेक करते हैं, लेकिन हम किधर भी चेक करें इस तरह से चेक करते हैं। तो देखिए लगभग 1500-1600 है, तो ये सही है वैल्यू, मतलब ये शॉर्टिंग नहीं है, ये हमारा प्राइमरी लाइन है। मैं आपको समझाता हूँ, देखिए उल्टा साइड में कुछ रॉन्ग, मतलब सही है, रॉन्ग की तरह है, मतलब आपके पास अगर ऐसा मोबाइल आते हैं कि 500-550 के ऊपर जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ इशू होगा ही होगा, तो इसमें लगभग सही है।
मतलब 500 के अंदर होना चाहिए, यहाँ पर भी वही है। हमने इस तरह से लगाया था पॉजिटिव और नेगेटिव, इसलिए इसमें जो कैपेसिटर होता है उसमें चार्ज हो जाता है, क्योंकि डायोड मोड में हम जब चेक करते हैं तो मीटर का प्रोब से कुछ वोल्टेज निकलता है, आप टेस्ट कर सकते हैं दूसरे मीटर से। तो वो वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई होने के बाद इसमें जितना सारे ये लाइन में जितना सारे कैपेसिटर होता है उसमें चार्ज स्टोर हो जाता है कुछ सेकंड के लिए। तो तुरंत हम जब यहाँ पर उल्टा करते हैं तो यहाँ पर वैल्यू कुछ रॉन्ग बताते हैं, लेकिन कुछ देर रुकते हैं, नहीं तो हम चिमटी के द्वारा इस तरह से शॉर्ट कर देते हैं तो क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। उसके बाद हमारा वैल्यू मतलब जो होना चाहिए सही वैल्यू आ जाता है, डिस्चार्ज हो गया है इसलिए सही वैल्यू आ गया। तो इसमें प्राइमरी लाइन में कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। प्राइमरी लाइन मतलब यहाँ से पीएमआई तक जाता है, पीएमआई तक हमारा प्राइमरी लाइन होता है। पीएमआई से जो जो डीसी टू डीसी होता है, सिर्फ पीएमआई नहीं है, बीक्यूआईसी होता है, जो चार्जिंग डीसी टू डीसी आईसी होता है उसमें सेकेंडरी लाइन उसमें से आउटपुट होता है और उसमें ये लाइन जाता है डायरेक्ट। तो प्राइमरी हमारा ओके है, हम सेकेंडरी लाइन चेक करेंगे। पहले हम देख लेंगे कि नेटवर्क सेक्शन में हमारा प्राइमरी है या सेकेंडरी है, तो वी बैट से हम यहाँ पर डायरेक्ट टेस्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा बीप नहीं दे रहा है, मतलब जीरो नहीं हो रहा है, इसका मतलब है इसमें सेकेंडरी लाइन है, और सेकेंडरी लाइन में देखिए वैल्यू कुछ कम दे रहा है, उसका मतलब हमारा कुछ ना कुछ लीकेज है सेकेंडरी लाइन में, लेकिन ये प्राइमरी नहीं है। अगर होता तो ये शॉर्ट करने पे जो जीरो हो रहा है यहाँ पर भी जीरो होना चाहिए था प्राइमरी सेकेंडरी लाइन में, लेकिन ये सेकेंडरी लाइन में सेकेंडरी है प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी होता तो जीरो होता, लेकिन ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी क्यों है देखिए, इसमें जो पीएमआई होता है आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए ये जो पीएमआई है इसमें से जो यहाँ से जो डीसी टू डीसी वोल्टेज निकलता है बाक बूस्ट कन्वर्टर, तो यहाँ से जो लाइन आउटपुट होता है वो सेकेंडरी होता है, वो सब जगह पर जाता है। वो लाइन कभी 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 नहीं, ज़्यादातर यहाँ पर आता है जो लाइट सेक्शन होता है वहाँ पर। यहाँ पर देखिए ये लाइट सेक्शन है और यहाँ पर वी बैट से मैंने देखा है तो यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं बोल रहा है, उसका मतलब ये सेकेंडरी लाइन है लाइट सेक्शन में। और ये सेकेंडरी लाइन किधर जाएगा, यहाँ पर हम प्रोब रख दिया और यहाँ पर देखिए ये नेटवर्क सेक्शन में आएगा। तो यहाँ पर देखिए 160 ओम दिखा रहा है, उसका मतलब क्या है, 160 का मतलब है लाइट सेक्शन में जो डायोड होता है वो डायोड का वैल्यू बोल रहा है 160 ओम्स, तो 160 वैल्यू डायोड का आता है। तो ये हमारा सेकेंडरी लाइन, और सेकेंडरी लाइन में कुछ लीकेज है। अब ये तो हो गया, अभी हम क्या करेंगे, इसमें पावर सप्लाई ऐड करेंगे एक्स्ट्रा। हाँ ना, वी बैट का मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी लाइन का मतलब वीपी इज पावर सेकेंडरी, और ये वी बैट है। तो यहाँ पर हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हम पावर सप्लाई का केबल देखिए मैंने लगा दिया है। अभी देखिए कोई भी ऑटो रीडिंग नहीं ले रहा है हमारा पावर सप्लाई, आप देख पा रहे हैं कोई भी ऑटो रीडिंग नहीं ले रहा है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें पावर की दबाएंगे, यहाँ पर देखिए ये आप टीपी पॉइंट है, वॉल्यूम अप, ये पावर, ये डाउन, यहाँ पर हम शॉर्ट करेंगे पावर की। तो देखिए 2.5 मिली एम्पियर जा रहा है, आप 50 बोल सकते हैं, लेकिन मैं एक हमेशा एक सेगमेंट को छोड़ देता हूँ, तो 5 मिली एम्पियर जा रहा है, छोड़ने पे वहीं पर रुकता है, वहीं पर रुकता है। तो ऐसा कंडीशन में हम क्या करेंगे, मीटर को हम डीसी मोड में सेट करेंगे, यहाँ पर रुक जा रहा है इसलिए हम यहाँ पर डीसी मोड में सेट करेंगे, और यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे, वोल्टेज हम इधर चेक करेंगे, जो सीपीयू का जो कोर लाइन होता है वो यहाँ से शुरुआत होता है, कॉइल है यहाँ से शुरू होता है। तो देखिए यहाँ पर 0.089 कर रहा है, उसका मतलब इसमें वोल्टेज नहीं दे रहा है। देखिए 0.7 वोल्ट इसमें आ रहा है, 0.7 है, ये एक कोर लाइन है, ये ठीक है। अभी हम दूसरा कोर लाइन चेक करेंगे, लेकिन इस तरह से चेक नहीं होगा, हमें एक चिमटी लेना पड़ेगा।
चिमटी के द्वारा हम इस तरह से चेक करेंगे। देखिए दूसरा कोर में कोई भी वोल्टेज नहीं है। अब यहाँ पर भी देख लेते हैं, यहाँ पर भी जीरो है, सॉरी यहाँ पर हमारा पावर जीरो हो चुका है, मतलब रीडिंग लेना बंद कर दिया है। हम दोबारा पावर की दबाएंगे और फिर होल्ड कर देंगे पावर को। देखिए अभी पावर होल्ड हो गया है, यहाँ पर हम दोबारा चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए 1.2 है, मतलब ये कोर लाइन ओके है। यहाँ पर भी 0.7 है, ये भी ओके है, और ये भी 0.7, ये ओके है। तो इसका मतलब हमारा सीपीयू में वोल्टेज मिल रहा है। अच्छा यहाँ पर ये बूट है, ये हमारा ईडीएल के लिए होता है, और यहाँ पर 1.8 वोल्ट मिलता है, तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। देखिए ये 1.8 ओके है। अभी हम क्या करेंगे, हमारा सीपीयू में पावर जा रहा है, तो हम एक बार पोर्ट को चेक करेंगे। इसमें पोर्ट चेक करना इम्पोर्टेंट होता है, मोबाइल जब आते हैं तो पोर्ट चेक करना इम्पोर्टेंट होता है, तो यहाँ पर हम एक बार पोर्ट को भी चेक कर लेते हैं। डिस्प्ले का केबल लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम सिर्फ साफ बोर्ड का केबल लगाया है। यहाँ पर हम डिवाइस मैनेजर ओपन करेंगे और पोर्ट चेक करेंगे कि हमारा पोर्ट बन रहा है कि नहीं। अगर पोर्ट बनता है तो हमारा हार्डवेयर लगभग ओके रहता है। तो डिवाइस मैनेजर ऑन करते हैं, देखिए मैंने ऑन कर दिया है। यहाँ पर हम पोर्ट चेक करेंगे, यहाँ पर ये जो पोर्ट है हमारा पावर सप्लाई के लिए है। अभी हम यहाँ पर कंप्यूटर में कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए हम यूएसबी लगा रहे हैं, देखिए मैंने लगा दिया है, कोई भी पोर्ट नहीं बन रहा है। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, यहाँ पर कोई भी पोर्ट नहीं बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम एक बार ईडीएल पॉइंट को शॉर्ट करके भी चेक कर सकते हैं। शॉर्ट किया मैंने, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये देखिए मैंने ईडीएल शॉर्ट किया। अभी हम यहाँ पर केबल लगाएंगे, यूएसबी केबल मैंने लगा दिया है, देखते हैं, नहीं फिर भी कोई पोर्ट नहीं है। अच्छा ठीक है, अभी हम इसका पावर सीक्वेंस चेक करेंगे, सॉरी चेक करेंगे पावर सीक्वेंस को चेक करेंगे। तो पावर सीक्वेंस को चेक करने के लिए हमें ज़रूरत है स्कीमेटिक, तो चलते हैं एक बार स्कीमेटिक में, और बोर्ड को हम सामने रख देते हैं और स्कीमेटिक में देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने स्कीमेटिक ओपन किया है, ये हमारा स्कीमेटिक है और ये हमारा लेआउट है। तो हम दोनों को एक साथ कंबाइन कर लेंगे फिर चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने लेआउट लेफ्ट साइड हमारा आ चुका है और राइट साइड हमारा स्कीमेटिक। तो हम स्कीमेटिक को जूम कर लेंगे, जूम नहीं करेंगे तो देखिए एक बार क्या होता है। यहाँ पर मान के चलिए हम ये जो कैपेसिटर है इसको चार्ज करेंगे, तो ये लेफ्ट राइट साइड हमारा स्कीमेटिक है, जूम हमने नहीं किया है। तो डबल क्लिक करते हैं, देखिए ये स्कीमेटिक में ये कैपेसिटर किधर है हमें फिर दोबारा ढूंढना पड़ेगा। तो इसके लिए हम अगर इस तरह से कोई एक कंपोनेंट को जूम कर लेंगे स्कीमेटिक में, तो फिर हम डबल क्लिक करेंगे तो देखिए एकदम सामने आ जाएगा, इसलिए हम स्कीमेटिक को जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जाएंगे पीएमआई से शुरुआत करेंगे पावर सीक्वेंस को चेक करने के लिए। तो देखिए हाँ ये हमारा पीएमआई है, यहाँ पर भी देख लीजिए बोर्ड में, ये देखिए ये पीएमआई आईसी है, तो सीपीयू के साइड में है। तो माइक्रोस्कोप को हम छोटा कर लेंगे अभी के लिए। तो देखिए यहाँ पर हम पीएमआई को डबल क्लिक करेंगे क्योंकि हमें पीएमआई को पहले चेक करना है ये ओके है या नहीं। तो डबल क्लिक किया, यहाँ पर देखिए पीएमआई का जितने सारे लाइन है वो यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर पार्ट टू पार्ट है, ए बी सी करके है। यहाँ पर देखिए पार्ट ये है, तो हम यहाँ पर एक लाइन ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक चीज़ दिखा देते कि ऐसा कंडीशन में हमें मोबाइल को एक बार चार्जिंग में लगाना है और फिर चेक करना है।
देखिए मैंने चार्जिंग केबल लगा दिया है, बैटरी हमने कनेक्ट नहीं किया है। यहाँ पर हम चार्जिंग में लगा देंगे, यहाँ पर मैंने चार्जिंग में लगा दिया है। यहाँ पर वोल्टेज आएगा, PMI का वोल्टेज यहाँ पर आएगा, तो एक बार चेक करते हैं। यहाँ पर VBAT वोल्टेज मिल रहा है कि देखते हैं। मीटर मीटर में देखिए यहाँ पर VBAT वोल्टेज नहीं है, और यहाँ पर ID और थर्मिस्टर लाइन की भी एक बार चेक करते हैं। यहाँ पर ID लाइन है, यहाँ पर देखिए लगभग 7-8 वोल्ट 1 वोल्ट आसपास मिल रहा है, और ये यहाँ पर 2.8 वोल्ट मिलना चाहिए। लगता है PMI IC अभी ओके नहीं है, मतलब इसका जो पावर है वो वेरिएशन चल रहा है। क्यों चल रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर वेरिएशन चल रहा है, तो वेरिएशन क्यों चल रहा है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम स्कीमेटिक में दोबारा देख लेते हैं, माइक्रोस्कोप को छोटा कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर PMI IC को ओपन किया, तो यहाँ पर हमें देखना है सिस्टम ओके लाइन किधर है वो हमें देखना है। तो हमें एक बार ढूंढना है वो लाइन किधर है। देखिए ये हमारा पार्ट बी है, U1101 ये हमारा PMI है, आप देख पा रहे हैं, और उसका पार्ट बी यहाँ पर है। तो यहाँ पर होता है पावर सीक्वेंस के लिए जितने सारे लाइन है वो यहाँ पर होता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर चार्जिंग जब हम इनपुट करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर जो सिस्टम ओके लाइन देख पा रहे हैं, ये सिस्टम ओके लाइन से एक 1.8 वोल्ट निकलता है। लेकिन ये कब निकलता है, जब इसका जितने सारे कॉन्फिगर है आउटपुट है वो सब ओके रहता है, तो IC समझ लेता है कि IC का सिस्टम ओके है, आप पावर आउट करना है होल्ड करने के लिए। तो ये क्या करता है, सिस्टम ओके सिग्नल PMIC को देता है। यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं सिस्टम ओके लाइन किधर जा रहा है। ये देखिए PMIC को डायरेक्ट जा रहा है, पावर ऑन यहाँ पर लिखा है, और ये देखिए PM439 ये हमारा PMIC। तो क्या होता है, जब PMIC को ये पावर ऑन जो सिग्नल है, सिस्टम ओके सिग्नल जो लाइन है, जब PMIC को मिलता है, तो PMIC समझ लेता है कि PMI IC रेडी है, अभी हमें वो मतलब PMI IC को एक्टिव करना है, क्योंकि अभी तो वेरिएशन चल रहा है। मैंने टेस्ट करके आपको दिखाया कि अभी वेरिएशन चल रहा है, तो उसको एक्टिव करना है। तो वो क्या करता है, पावर ऑन रीसेट नाम से एक आउटपुट करता है। देखिए पावर ऑन है, पावर ऑन रीसेट यहाँ से एक आउटपुट करता है। तो ये पावर ऑन रीसेट क्या करता है, ये सीधा जा रहा है, आपको एक बार दिखाई देते हैं। ये देखिए ये हमारा U1001 ये हमारा CPU है, पावर ऑन रीसेट CPU को जा रहा है, और फिर यहाँ से PMI को भी आ रहा है। देखिए U1001 ये हमारा PMI है, तो ये लाइन PMI को भी आ रहा है, मतलब दोनों तरफ पावर IC लाइन भेज रहा है, 1.8 वोल्ट सिग्नल दे रहा है कि हमारा PMI ओके है, हमें एक्टिव करना है। तो क्या करता है, ये जो पावर ऑन रीसेट जब एक्टिव होता है, तब ये देखिए ये इसका PS होल्ड लाइन, मतलब PMI IC की जो पिन है ये PS होल्ड लाइन है। जब पावर IC से ये लाइन आता है, तो PS होल्ड का मतलब क्या है, PMI एक्टिव हो जाता है, मतलब PMI समझ लेता है कि हमें अभी एक्टिव करना है, सब लाइन एकदम स्टार्ट करना है। तो वो क्या करता है, वो एक्टिव कर देता है, और ये लाइन सेम लाइन आपने देखा कि CPU तक भी जा रहा है। एक बार दिखाई देता हूँ, देखिए ये लाइन डायरेक्ट, सॉरी ये तो पावर IC है, और एक बार देखना पड़ेगा। ये देखिए ये जो CPU है, एक बार आपको दिखाई देता है, ये जो नंबर है ये देखिए U1001 ये हमारा CPU का पार्ट ए है। पार्ट ए में देखिए डायरेक्ट ये आ रहा है पावर ऑन रीसेट। तो ये क्या करता है, जब इसको CPU को जब पावर ऑन रीसेट लाइन मिलता है, तो CPU समझ लेता है कि PMIC ओके है, क्योंकि PMIC जब ओके रहेगा तो पावर ऑन रीसेट लाइन आउटपुट करेगा,
और वो क्या करता है, सीपीयू वो पावर ऑन रिसेट जब मिलता है सीपीयू को, तब सीपीयू समझ लेता है कि हमारा पीएमआईसी ओके है पावर देने के लिए। तो ये क्या करता है, एक आउटपुट करता है। तो आउटपुट क्या करता है देखिए, यहाँ से पीएस होल्ड नाम है, पीएस होल्ड नाम से एक रजिस्टर है, यहाँ से पीएस होल्ड लाइन आउटपुट कर रहा है। यहाँ पर देखिए ये जो निशान है ये पीएमआईसी तक जा रहा है। तो एक बार ये लाइन को भी एक बार देख लेते हैं कहाँ पर जा रहा है। ये तो अभी भी सीपीयू तक है, यहाँ से डायरेक्ट जा रहा है। ये हमारा पीएमआई है, और ये देखिए ये जो पीएस होल्ड सीपीयू से आ रहा है वो यहाँ से निशान देखिए ये पीएमआईसी की तरह जा रहा है। तो पीएमआईसी का ये जो पॉइंट है ये पीएस होल्ड लाइन है। तो क्या होता है, जब सीपीयू पीएमआईसी को वोल्टेज देता है तो पीएमआईसी क्या करता है कि पीएमआईसी समझ लेता है कि हमारा सीपीयू ओके है, हमें पावर को एक्टिव करना है। तब वो क्या करता है, उसका जितना सारे आउटपुट है कोर लाइन है वो सब एक्टिव कर देता है, और वहाँ वहाँ पर वेरिएशन नहीं होता है, वो एक्टिव हो जाता है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सबसे पहले पीएमआईआईसी का जो सिस्टम ओके लाइन है वो हम चेक करेंगे। ये जो सिस्टम ओके देख पा रहे हैं इसको हम सबसे पहले चेक करेंगे कि ये लाइन हमारा ओके है या नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिए दिक्कत एक है कि इसमें टीपी पॉइंट नहीं है, कोई भी टीपी पॉइंट इसमें नहीं है। ये सब लाइन में टीपी पॉइंट होता है लेकिन इसमें टीपी पॉइंट नहीं है। तो हम टीपी पॉइंट के बिना तो चेक नहीं कर सकते, उसके लिए हम क्या करेंगे, पीएमआईसी को निकल लेंगे और पीएमआई की जो सिस्टम ओके लाइन है वहाँ पर चेक करेंगे। अगर 1.8 वोल्ट मिलता है तो उसका मतलब हमारा पीएमआईआईसी ओके है। तो इसके लिए हम पावर आईसी एक बार निकल लेंगे। तो यहाँ पर हम पीएमआईसी निकल देंगे और पीएमआईआईसी ओके है या नहीं वो हम चेक करेंगे, लेकिन उसका तो टीपी पॉइंट नहीं है। तो टीपी पॉइंट नहीं है, हम एक काम करेंगे, 3 नंबर पॉइंट पे है लेकिन यहाँ पर हमें कुछ अलग से देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम काउंट करेंगे 3 नंबर पॉइंट कहाँ पर जा रहा है, वहाँ पर हम टेस्ट करेंगे। ये देखिए 1 2 3, 3 नंबर पॉइंट है, रेस्ट लाइन ऑन करते हैं। ये 3 नंबर पॉइंट किधर जा रहा है हमें देखना पड़ेगा। ये सिस्टम ओके लाइन है, अगर ये आईसी ओके है तो यहाँ पर हमें सिस्टम ओके के लिए 1.8 वोल्ट देगा। तो देखिए ये पीएमआईसी के अंदर जा रहा है, ये जो लाइन है यहाँ पर जा रहा है। तो ये एक बार देखना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए हमें पीएमआईसी निकलना पड़ेगा। और हमने अभी देखा है कि पीएमआईसी हमारा आउटपुट कुछ कर रहा है। तो हम एक काम करते हैं, पीएमआईसी निकलने से पहले पीएमआईसी से जो पावर ऑन रिसेट लाइन निकलता है उसको हम टेस्ट करेंगे एक बार कि वो लाइन मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर कुछ वेरिएशन चल रहा है, जो हमारा आईडी लाइन पे कुछ वेरिएशन चल रहा है आईडी थर्मिस्टर लाइन पे। तो उसका मतलब हमारा पीएमआईआईसी से कुछ लाइन आउटपुट कर रहा है, इसलिए हम एक बार वो चेक करेंगे, फिर ज़रूरत पड़े तो हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो उसके लिए हम दोबारा स्कैमेटिक में जाएंगे और चेक करेंगे। देखिए हमने दोबारा स्कैमेटिक ओपन किया और कॉम्बाइन किया, अभी हमारा राइट साइड लेआउट है और लेफ्ट साइड स्कैमेटिक है। तो हम लेआउट में जाते हैं और यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, हमने ऑलरेडी देखा था कि ये जो टीपी पॉइंट है यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं, ये टीपी पॉइंट पीएस होल्ड की लाइन है। तो पीएस होल्ड हम एक बार चेक करेंगे ये लाइन किधर से आ रहा है। ये हमारा सीपीयू से निकल रहा है पीएस होल्ड लाइन, यहाँ पर एक रजिस्टर भी है। तो हम सीपीयू से जो रजिस्टर जो लाइन आ रहा है उसको हम नहीं देखेंगे, अभी हम रीसेट लाइन चेक करेंगे, पावर ऑन रीसेट लाइन जो पीएमआईसी से निकल रहा है उसको हम चेक करेंगे।
तो वो चेक करने के लिए हम यहाँ पर आते हैं। ये देखिए, ये पावर ऑन रीसेट हमारा पीएम आईसी से निकल रहा है। ये देखिए PM 439 है, PM 439। इसमें से पावर ऑन रीसेट लाइन मिल रहा है, मतलब ये कब मिलता है, जब PMI IC से आउटपुट करता है तो आता है ये सिस्टम ओके लाइन। PMIC को इनपुट करता है और PMIC इनपुट देकर फिर यहाँ से एक सिग्नल भेजता है PM पावर ऑन रीसेट। तो ये इसको हम चेक करेंगे, तो ये किधर जा रहा है एक बार देखते हैं। वहाँ पर हम चेक करते हैं 1.8 आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिर्फ एक कैपेसिटर मिल रहा है जो कि C401 है, और ये कहाँ पर है, ये CPU के नीचे है। तो हम चार्जिंग में लगाएंगे और यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारा PMIC से कोई कमांड यहाँ पर मिल रहा है कि नहीं। कमांड मिलेगा, मतलब 1.8 वोल्ट यहाँ पर मिलेगा। तो एक बार चार्जिंग में लगाते हैं और फिर चेक करते हैं। बोर्ड को उल्टा करना पड़ेगा। पहले हम चार्जिंग में लगा देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। बहुत छोटा है तो हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए, हमने थोड़ा ये यहाँ पर देखिए, हम मीटर में DC मोड में सेट करेंगे। DC मोड में मैंने सेट किया, मैंने चार्जिंग में लगाया है। यहाँ पर हमें वोल्टेज मिलेगा, ये देखिए यहाँ पर बॉल तो बाहर आ गया है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। ये हमारा पावर ऑन रीसेट लाइन है, ये PMIC को मिलता है और यहाँ पर CPU को भी मिलता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। उसका मतलब PMIC से यहाँ पर सिग्नल नहीं आ रहा है, और यहाँ पर नहीं आ रहा है उसका मतलब हमारा PMI IC को नहीं मिल रहा है, जिस वजह से यहाँ पर वेरिएशन चल रहा है। मतलब जो ID लाइन है यहाँ पर वेरिएशन चल रहा है, ये एक्टिव नहीं हो रहा है। यहाँ पर आएगा तो PMIC एक्टिव हो जाएगा, और CPU से जब यहाँ से PMIC को सिग्नल देगा तो PMIC एक्टिव हो जाएगा। तो अभी CPU को नहीं मिल रहा है, PM पावर ऑन रीसेट यहाँ से नहीं मिल रहा है। देखिए 0.0 वोल्ट है, मतलब ये नहीं मिल रहा है। उसका मतलब क्या है, हमारा PMIC से नहीं मिल रहा है। तो हम PMI IC को चेक करेंगे। मतलब PMI IC का जो सिस्टम ऑन आपको दिखा है 1.8 लाइन 3 नंबर पे है, वो हम चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए हम पावर आईसी को निकाल देंगे और यहाँ पर हम चेक करेंगे। अगर यहाँ पर पावर ऑन रीसेट 1.8 वोल्ट मिलता है तो उसका मतलब पावर आईसी खराब है, जिस वजह से ये आउटपुट नहीं कर रहा है। और एक चीज़ देखना है कि हमने जो चेक किया है अभी CPU के पास, ये शॉर्ट है या नहीं। शॉर्ट होगा तो अभी नहीं मिलेगा। तो देखिए, ये शॉर्ट नहीं है। फाइनली हमें PMIC को निकलना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम PMIC को निकल लेते हैं। ये देखिए, मैंने PMIC को निकल दिया है। अभी हम यहाँ पर PMI के लिए जो वोल्टेज है वो हम चेक करेंगे। बोर्ड को थोड़ा ठंडा होने के लिए वेट करना पड़ेगा। तो ये देखिए, मैंने लगभग ठंडा कर लिया है। अभी हम यहाँ पर दोबारा चार्जिंग में लगाएंगे और PMI IC से आउटपुट कर रहा है या नहीं, वो हम चेक करेंगे यहाँ पर। इसमें कोई TP पॉइंट हमें नहीं मिला, इसलिए हमने IC निकाला है। लेकिन MI का, रेडमी का बहुत सारे मॉडल ऐसा है जिसमें ये TP पॉइंट मिल जाता है, लेकिन इसमें नहीं मिल रहा है, इस वजह से मैंने निकाला है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो बिट मैप हमने देख रहा था वो हम देखेंगे।
तो ये बिट मैप यहाँ पर है, और यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा, छोटा करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर हमारा PMI IC से वोल्टेज आएगा। तो हम एक बार चार्जिंग में लगा देंगे दोबारा, और मीटर को फिर से वोल्टेज मोड में सेट किया। अभी हम यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1.8 वोल्ट मिलेगा, मिल रहा ना? हाँ, यहाँ पर 1.8 वोल्ट मिल रहा है। देखिए मैंने चार्जिंग में लगाया, PMIC निकला, और यहाँ पर देखिए सिस्टम ओके लाइन में हमारा 1.8 वोल्ट मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो PMI IC है वो ओके है, तो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है या चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये ओके है तो हम उसके ऊपर डाउट नहीं करेंगे। और यहाँ से हमारा आउटपुट नहीं मिला, मतलब इसमें से जो पावर ऑन रिसेट PMI IC को मिलता है, जो PS होल्ड के नाम से, और जो CPU को मिलता है उसमें भी नहीं मिला। उसका मतलब क्या होता है, हमारा PMIC ख़राब है, इसलिए इसमें से आउटपुट नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नया IC लगा देंगे, और फिर वहाँ पर चेक करेंगे कि हमारा PS होल्ड बन रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हम ये क्लीन कर लेंगे एक बार, और फिर देखेंगे। एक चीज़ और यहाँ पर बताते हैं, देखिए यहाँ पर हम जो रिबॉलिंग करते हैं, मतलब जो क्लीनिंग करते हैं बॉल, यहाँ पर हम हमेशा जो रोजिन होता है, ये रोजिन पेस्ट ये यूज़ करते हैं हम। यहाँ पर देखिए हमारे पास है, ये हम यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, देखिए यहाँ पर जो फ्लेक्स मेरे पास है, ये फ्लेक्स से इतना अच्छा क्लीन नहीं होता है, फिर भी एक बार आपके सामने ट्राई करके देखते हैं, इसलिए हम वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा डिसोल्डरिंग वीक है, आप क्या बोलते हैं पता नहीं, यहाँ पर देखिए कुकू का डिसोल्डर है, तो हम ये यूज़ करते हैं। यहाँ पर साइज़ भी आप लोग देख लीजिएगा, 3 mm। तो एक बार ट्राई करके देखते हैं आपके सामने। यहाँ पर हम सोल्डिंग आयरन को T12X यूज़ करता हूँ मैं, तो इसमें 340 मैंने सेट किया है। एक बार ट्राई करके देखते हैं कितना क्लीन होता है। सॉरी, यहाँ पर सबसे पहले बोर्ड को, जो बड़ा वाल है, इसको क्लीन करना पड़ेगा थोड़ा सा। अभी हम एक बार देख लेते हैं। देखिए ये क्लीन हो रहा है, लेकिन इतना अच्छे से नहीं है जितना रोजिन से होता है। मैंने इसमें रोजिन लगाया नहीं, अभी हम एक बार लगा के देखते हैं। एकदम फ्रेश हो जाता है रोजिन से, आप खुद एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि फ्लक्स से कितना क्लीन होता है और रोजिन से कितना होता है। क्लीन करने के बाद पता चलेगा। एक बार पैड क्लीन कर लेते हैं, फिर लिक्विड से क्लीन करेंगे। देखिए मैंने पैड को क्लीन कर दिया है, बोर्ड को हमें बाहर निकलना पड़ेगा। अभी हम थोड़ा सफाई करेंगे, मतलब क्लीन कर लेंगे, तो कितना अच्छा दिखाएगा आपको पता चल जाएगा। लोग इस तरह से हीट करके रिटर्न देते हैं, लेकिन वो क्लीन करके नहीं भेजते। क्लीन करना चाहिए, अगर हमसे नहीं हो पाएगा तो सामने वाले बंदे को पता नहीं चलेगा कि इसमें कितना हार्ड काम किया हो। देख पा रहे हैं यहाँ पर कितना क्लीन हो गया है, देखिए एकदम साफ हो गया है। थोड़ा सा हीट करते हैं,
ये देखिए एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है। यहाँ पर हम अभी हम आईसी लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा फ्लक्स लगा देंगे दोबारा। फ्लक्स लगा दिया है, तो हमने आईसी लगा दिया और क्लीन भी कर दिया है। अभी हम दोबारा चार्जिंग में लगाएंगे और सारे के सारे चेक करेंगे। अभी लगा दिया है, अभी हम चार्जिंग में लगाएंगे और चेक करेंगे कि हमारा पावर ऑन रीसेट की जो वोल्टेज है वो आउटपुट कर रहा है या नहीं। मीटर हमारा डीसी मोड में है, डीसी मोड में रखना चाहिए। यहाँ पर 1.8 वोल्ट मिलना चाहिए, तो यहाँ पर एक बार चेक करते हैं। तो ये हम ग्राउंड किया और ये 2 नंबर कैपेसिटर पर, यहाँ पर अभी भी कोई भी वोल्टेज नहीं है। अच्छा, यहाँ पर टीवी पॉइंट पर देख लेते हैं, यहाँ पर भी कोई भी वोल्टेज नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पर तो वोल्टेज आना चाहिए। यहाँ पर हम बैटरी को एक बार लगा के देख लेते कि हमारा वोल्टेज कितना बन रहा है। 0.7 स्टार्क हो गया है, इसका मतलब वहाँ पर तो वोल्टेज आना चाहिए। यहाँ पर जो वेरिएशन चल रहा था वो रुक गया है। यहाँ पर भी 1.2, यहाँ पर भी स्टेबल हो गया है, ये भी स्टेबल हो गया है, तो वहाँ पर बनना ही चाहिए, कोई गलत तो नहीं हो रहा है। एक बार दोबारा कंफर्म कर लेते हैं। 2 नंबर पर ये जो कैपेसिटर है, यहाँ पर 1.8, देखिए 1.8 अभी मिल रहा है, मतलब हमने बैटरी निकाल दिया था इसलिए नहीं आ रहा है। एक बार देख लेते, बैटरी के बिना तो आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है। देखिए आ रहा है, आना चाहिए, बैटरी के बिना ही आता है, देखिए आ रहा है। अभी हम यहाँ पर टीपी पॉइंट को भी एक बार देख लेते, यहाँ पर भी 1.8 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कम आ रहा है। ठीक है, तो ये जो टीपी पॉइंट हमने, सॉरी ये नहीं है, ये यहाँ पर है 1.8, देखिए 1.8 आ रहा है, ये जो टीपी पॉइंट है। ये देखिए 1.8 आ चुका है। ये जो टीपी पॉइंट है, ये मैं आपको बताता हूँ ये किधर है। ये पीएस होल्ड की लाइन है, पावर होल्ड कर रहा है। एक बार स्कीमेटिक में आपको दिखा देता हूँ कि ये कौन सी लाइन है। TP2416, यहाँ पर TP2416 कौन सी लाइन है, देखिए पीएस होल्ड लाइन है। ये पीएस होल्ड लाइन किधर जा रहा है आपको दिखाई दे रहा है, नहीं नहीं दे रहा है।
एक बार माइक्रोस्कोप छोटा करते हैं। देखिए ये पीएस होल्ड लाइन है, यहाँ से किधर जा रहा है एक बार देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए ये सीपीयू है, यहाँ से आउट कर रहा है, आउट कर रहा है तो इसका मतलब पीएमआईसी को मिल रहा है। एक बार देख लेते हैं, ये तो सीपीयू, अच्छा ये पीएमआई की तरह, नहीं नहीं ये पीएमआई नहीं है। ये देखिए पीएस होल्ड लाइन, उसका मतलब ये पीएमआईसी के लिए होता है पीएस होल्ड लाइन, जो सीपीयू से आउटपुट कर रहा है पीएस होल्ड, और पीएस होल्ड लाइन मिल रहा है इस वजह से हमारा जो बक कन्वर्टर का लाइन है, जो कॉयल है जितने सारे, वो एक्टिव हो गया है और वहाँ पर वोल्टेज स्टेबल हो गया है। यहाँ पर भी हम चेक कर सकते हैं कैपेसिटर 1305, यहाँ पर भी हम चेक कर सकते हैं लेआउट में। एक बार देख लेते हैं C1305, अरे क्या हो रहा है सी, अरे कीबोर्ड का चार्ज ख़त्म हो गया है। ठीक है हम यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं 1305, यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है बोर्ड में भी आपको दिखाई देते हैं एक बार। छोटा कर लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर पीएस होल्ड की लाइन है, 1.7 वोल्ट आ रहा है पीएस होल्ड लाइन में, 1.7। ये जो कैपेसिटर की लाइन है, यहाँ से ये जो टीपी पॉइंट है दोनों एक ही है, इस वजह से वहाँ पर से 1.1 वोल्ट इधर भी आ रहा है। तो अभी हमारा सब कुछ ओके है, तो इसका मतलब हमारा फ़ोन ऑन होना चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं कि हमारा फ़ोन की कंडीशन क्या है, बैटरी में चार्ज है या नहीं हमें पता नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट पावर सप्लाई में लगाएंगे और चेक करेंगे कि हमारा प्रॉब्लम तो हवा हमारा सॉल्व हो गया है, अभी ऑन हो रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पर पावर सप्लाई दोबारा लगा देंगे, ये देखिए मैंने लगा दिया है। अभी हम शॉर्ट करेंगे पावर की को, यहाँ पर देखिए पावर की, यहाँ पर ये हमने शॉर्ट कर दिया है, यहाँ पर देखिए रीडिंग वहाँ पर ही स्टार्ट हो गया है 0.5। तो पहले तो ऐसा था लेकिन पोर्ट नहीं बन रहा था, अभी क्या कंडीशन एक बार देखना पड़ेगा। पहले 0.5 में स्टार्ट हो गया था लेकिन वहाँ पर पोर्ट नहीं बन रहा था, क्योंकि हमारा पीएमआईसी ख़राब था, इस वजह से पीएमआईसी सीपीयू को सिग्नल नहीं दे रहा था, जिस वजह से सीपीयू से पीएस होल्ड नहीं आ रहा था। तो अभी तो आ रहा है, तो एक बार ये भी कंफर्म कर लेते हैं पोर्ट आ रहा है कि नहीं। तो डिवाइस मैनेजर को ऑन करते हैं और एक बार चेक करते हैं, ऑन तो होना चाहिए, अभी जो प्रॉब्लम है वो कुछ अलग है, देखना पड़ेगा। ये क्या है, ये देखिए पोर्ट बन गया है, ऑटो पोर्ट बन रहा है, मैंने कुछ भी नहीं दबाया है, जस्ट ऑटो पोर्ट बन रहा है। यहाँ पर हम बैटरी को निकाल देंगे और फिर दोबारा चेक कर लेंगे, बैटरी लगा देंगे, जस्ट एक बार आया था, मैंने फर्स्ट टाइम ही कहा है कि इसमें जिस तरह से हीट की गई है उस वजह से ईएमसी को भी दिक्कत हो सकता है, सीपीयू ईएमसी को। तो अभी पोर्ट बन रहा था, पता नहीं फिर क्या हो गया। दोबारा हम यहाँ पर पावर देके एक बार देखते हैं कि दोबारा पोर्ट आता है कि नहीं, क्योंकि सिर्फ पोर्ट आने पर हम ईएमसी रिपेयर नहीं करेंगे, उसमें हमें कुछ चेक करना है। तो हम दोबारा पावर सप्लाई लगा दिया है, अभी हम चेक करेंगे, देखिए हमारा पोर्ट फिर से बन रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूएमटी ओपन करेंगे, यूएमटी ओपन करके चेक करेंगे कि इसकी कंडीशन क्या है, क्यों पोर्ट बना रहा है ऑटो पोर्ट।
क्यूसी फायर को ओपन करते हैं। तो ये देखिए क्यूसी फायर ओपन हो चुका है। अभी हम रीड इन्फो करेंगे, यहाँ से हमें पता चला जाएगा कि दिक्कत किधर है। यहाँ पर रीड इन्फो आता है तो हम यहाँ पर फ्लैश करेंगे, क्योंकि फ्रेमवर्क करप्टेड होने की वजह से ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर शायद पोर्ट छोड़ दे रहा है। नहीं, पोर्ट तो छोड़ा नहीं। यहाँ पर पोर्ट तो है लेकिन क्या हो गया। डिटेक्टिंग स्टोर्स टाइप फेल, उसका मतलब क्या है वो तो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत बार कहा है। ऐसा कंडीशन सिर्फ ईएमसी के वजह से आता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हीट की गई है तो ईएमसी का बॉल बिगड़ जाता है, नहीं तो सीपीयू का बॉल भी बिगड़ जाता है। तो अभी जो कंडीशन है उसके लिए हम सीपीयू और ईएमसी दोनों को रिवॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ईएमसी को ही रिवॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा पोर्ट बन रहा है। अगर सिर्फ ईएमसी रिवॉल्व करने से हो जाए तो ठीक है, नहीं तो हम सीपीयू को भी रिवॉल्व करेंगे। लेकिन जो करेंगे हम पार्ट टू में करेंगे, पार्ट वन यहाँ तक ख़त्म करेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो एक अच्छे से कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग लाइव लाइक नहीं करते हो, वीडियो देखकर चले जाते हो लेकिन सब्सक्राइब लाइव नहीं करते हो, तो लाइक नहीं करते हो इसलिए हमें मोटिवेट फील नहीं होता है। तो आप लोग थोड़ा कंसीडर करिए, मैं तो फ्री में कंटेंट दे रहा हूँ इतना अच्छे अच्छे लेकिन आप लोग मेरे लिए एक लाइक नहीं कर रहे हो, फ्री में नहीं कर रहे हो, जो कि एकदम बिल्कुल फ्री है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया हो। पहले हमारा चैनल को ब्राउजिंग कीजिएगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा कोई बात नहीं है। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा का पूरा देखने के लिए। बाय।